स्वागत है आप सर्व विद्यार्थी मित्रों तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल में। आज आप धोरण 9 ना हिंदी विषय ना पाठ नंबर 23 ना स्वाध्यायनु संपूर्ण सोल्यूशन जोशो। अपनी आ चैनल पर धोरण 9 ना हिंदी विषय ना बधा ज पाठना स्वाध्यायना सोल्यूशनना विडियो मूकी दीधेल छे, जेनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल छे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो जब उसे बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम के किताबें में भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। नंबर 2, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी घटनाएं थी जिसमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधु का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने इत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है। नंबर 3, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया? क्यों माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे? माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। उसका कारण यह है कि लेखक के मन के किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। नंबर 1, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? लेखक के घर में आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। उनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। त्यार पछी नंबर 2, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? तो स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और उनके अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। नंबर 3, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रंग थी, जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 4, लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए? क्यों लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदे है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए। नंबर 1, लेखक को बचपन से क्या शौक था? लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। नंबर 2, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। नंबर 3, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। नंबर 4, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीदी ली, फिल्म नहीं देखी। नंबर 5, लेखक की माँ के आंखों में आंसू क्यों आ गए? कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो खुशी के मारे माँ की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। नंबर 1, लाइब्रेरी ग्रंथालय। 2, थिएटर चलचित्र घर, पिक्चर चित्र, इंडिया भारत, लाइब्रेरियन ग्रंथपाल। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, आरंभ अंत, आनंद शोक, जीवन मृत्यु, छोटा बड़ा, दुख सुख। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण संयुक्त और मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। नंबर 1, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान से और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, संयुक्त वाक्य। नंबर 2, माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी, साधारण वाक्य। नंबर 3, जल्दी जल्दी घर लौटा और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, संयुक्त वाक्य। नंबर 4, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, मिश्रित वाक्य। 5, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, साधारण वाक्य। प्रश्न 7, संधि विग्रह कीजिए। नंबर 1, वीरोचित वीर वत्ता अचित। 2, रमेश रम वत्ता ईश, देवोचित देव वत्ता उचित, सुरेश सूर वत्ता ईश। तो आ वीडियोની लिंक તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 24 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।